यहाँ वह शंख है जो कुरुक्षेत्रा में कृष्ण भगवान युद्ध के समय बजाया करते थे। भाई साहब, सीढ़ियाँ चलते चलते सांस चढ़ गई है और हमारा पानी भी खत्म हो चुका है, तो भाई साहब पूरा देर रखो। Hey, what is up guys? I hope you are doing absolutely fine. और मैं हूँ इस वक्त हिमाचल प्रदेश आद बद्री में और अभी सीढ़ियाँ चढ़ के मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ। राम श्री आदि बद्रीनारायण भगवान की जय, केदारनाथ की जय, माँ मंत्रा देवी की जय। यह मंदिर द्वापर युग का मंदिर है। यह प्राचीन काल की आदि काल से हमारे भारत में पांच बद्री हैं। पांच बद्री में कोई भविष्य बद्री है, कोई बद्री विशाल है, कोई बद्रीनाथ है, कोई ये आदि बद्री है। तो आदि के मतलब कि सबसे पुराना। द्वापर युग में यहाँ पे यह मान्यता है कि भगवान विष्णु नारायण की तपोस्थली है। ये सिद्धपीठ नहीं है, ये शक्तिपीठ तपोभूमि है नारायण की। यह वैकुंठ धाम है। यहाँ में सिंधु वन है, शिवालिक पर्वत है और इसके अंदर में सरस्वती नदी की उद्गम स्थल है और जहाँ से माँ सरस्वती की उद्गम होती है वहाँ जल मिलता है। सरिता के रूप में माँ सरस्वती पहाड़ों से टपकती है। ये हमारा कहना नहीं है, हमारे साइंस ईश्वरों और नासा का सेटेलाइट वैज्ञानिक लोग प्रमाणित किए हैं। यहाँ पे खुदाई हुई है पुरातत्व विभाग के द्वारा, उसमें बहुत सारे पुराना चीज़ जैसे राजा विराट के किला मिला है, जैसे आपके ये यहाँ अष्ट वसुधारा का जल निकलता है जो आदमी को शारीरिक मानसिक तनाव से दूर करता है उसका जल पीने से। यह एक ऐसा क्षेत्र है कि धरती पे पूरे विश्व में यहाँ से नारायण भगवान आदि बद्री ये संचालित कर रहे हैं पूरे विश्व को। यहाँ आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं नारायण जी की, कि आपकी 3 दिन के अंदर में आप एक धागा बांधिए और बांध करके 3 दिन के अंदर में खोलिए और आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण होती है। ये साक्षात अनंत अनादि ये आदि बद्री भगवान तपो तपस्या करते करते काला पड़ गए थे। जैसे उन्होंने काला पड़ गया तो नारद जी से लक्ष्मी जी मिली और पूछी कि हे नारद जी, मेरे पति को कहीं देखे हैं? तो नारद जी बोले कि पृथ्वी पे शिवालिक पर्वत है, उसके अंदर सिंधु वन है और वहाँ पे जाके देखी। तो लक्ष्मी जी नारद जी से पूछी कि मैं अपने पति का क्या रक्षा कर सकती हूँ? तो नारद जी बोले कि माँ, आप उनको छाया प्रदान कर सकती हैं। तो माता ने, लक्ष्मी ने बैर का पेड़ बन करके उन्होंने नारायण को छाया देने लगी। आप वर्तमान में सामने देखिए हमारे आदि बद्री भगवान नारायण की प्रतिमा को, ये बोल रहे हैं और काला पड़ गए हैं तपस्या करते करते। यह द्वापर युग का मंदिर है। यह
शास्त्र में वर्णित है। जब आदि बद्री नारायण आए तपस्या करने, उनके नदी के उस सरस्वती के उस भाग में शिव भी आ गए। श्री उनका नाम केदारनाथ जी है। शिखर के ऊपर महालक्ष्मी विराजमान है, जिसके नाम आज महामंत्रा देवी के नाम से स्थापित हैं। और हमारे सरस्वती उद्गम स्थल है। यह माने प्राचीन काल की मंदिर है। एक कथा भागवत में है, शास्त्र में है, हमारे पुराणों से ग्रंथित है। यहाँ वह शंख है जो कुरुक्षेत्रा में कृष्ण भगवान युद्ध के समय बजाया करते थे। एक वो पंचजन शंख आज भी इस मंदिर में विराजमान है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाव ही सुनहि बहु विधि संता। जय श्री राम, जय श्री आदि बद्री भगवान, जय बाबा केदार। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं अंदर और मैं आपको वो शंख और भगवान विष्णु जी की मूर्ति दिखाता हूँ। चलिए। भारत के युद्ध के समय कृष्ण के द्वारा बजाई जाती थी, वह शंख उन्होंने जब अंत हुआ यज्ञ का, तो कृष्ण पांचों पांडवों को लेके इस मंदिर पे आए। यहाँ एक साल रह करके भगवान आदि बद्री का पूजा किए, अर्चन किए, और भगवान कृष्ण ने इस शंख को इसी स्थान पे रख के उत्तराखंड को चले। वहाँ जाके बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुत्री बनाए। यहाँ भी चार धाम है, आदि बद्री केदारनाथ मंत्रा देवी सरस्वती उद्गम स्थल। लेकिन इस शंख को इतना प्राचीन है कि ये द्वापर युग का शंख है। इसकी महिमा, इसकी ध्वनि इस तरीके से आती है जैसे समुद्र में लहर आती है, वह ध्वनि इसमें आज भी विराजमान है। इनके माथा से स्पर्श करके जो प्रणाम करके जाते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। शंख और लक्ष्मी ये भाई और बहन की रिश्ता है, इसीलिए यह नारायण का मंदिर है और तपोस्थली है नारायण विष्णु का। यह तपोभूमि है। इनका दर्शन कर लेने से, इनके स्थान पे आ जाने से आदमी की 7 जन्मों का किया हुआ पाप क्षण मात्र में दूर हो जाता है। बोलिए आदि बद्री भगवान की जय। पंचजन्य शंख भगवान की। जैसा कि आपने सुना, अभी पंडित जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने यहीं पर आके तपस्या की थी, और तपस्या करते करते उनका जो रंग था वो इतना काला पड़ गया था कि लक्ष्मी माँ को धरती पर आना पड़ा, और उन्होंने एक वृक्ष का रूप लिया जिसकी छाँव भगवान पर पड़ती थी और धूप से बचते। राइट गाइस, तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ की गौशाला। अभी हमें मिला है प्रसाद, चाय का प्रसाद, जो कि यहाँ पर यहाँ की अपनी गौशाला है मंदिर की, और वहाँ पर मिलता है। तो भाई कैसा लगा चाय का प्रसाद? बहुत बढ़िया था, तुलसी डली हुई थी और बढ़िया चाय है अपना। और यहाँ पर आए तो कृपया करके यहाँ पर गौशाला में दान करें, पुण्य मिलेगा। शास्त्रों में से सबसे बड़ा पुण्य माना गया है गौ सेवा। और भाई आप? बहुत स्वादिष्ट लगी भाई चाय। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग इसका कोई पैसा चार्ज नहीं करते, और ये लोग जो है वो प्रसाद के तौर पे इसे देते हैं। तो आप अपनी श्रद्धा से जो चाहें या इनको दे, ये अपने आप से नहीं मांगते हैं, बट ये आपकी श्रद्धा है। ऑलराइट गाइस, अब चलते हैं माता मंत्रा देवी के मंदिर में। वहाँ पे लगभग 1 घंटे का रास्ता है पैदल, तो लेट्स गो। वो जो आप छोटा सा मंदिर देख रहे हैं, वहाँ पर हमें जाना है। तो भाई लोग, हमारे केशव भाई ऊपर जाने से कतरा रहे हैं। कतरा नहीं रहे हैं, टाइम की कमी है। पानी की बोतल, पानी की बोतल है अपने पास? कहाँ से लेगा? अरे दुकान से। हाँ यार, रख ले, रख ले बेटे, प्यास लगी बहुत। सो गाइस, ये रहे अन्ना भाई साहब। भेजा पानी की बोतल लाने था हमने, लेकिन ये वहाँ चिप खा रहे हैं बैठ के, और कह रहे खा के आएंगे आज। तो चलो चलो, कम ऑन, तुम्हारे नट्स भी ले लिए। पैर फिसल रहे हैं यहाँ पर चलते हुए। रास्ता काफी खराब है, ऊपर जाने का कच्चा रास्ता है।
पानी में मछलियाँ भी हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो भाई लोग, बहुत ही ज़्यादा पतला रास्ता है ये, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। रास्ता हम कवर कर चुके हैं और ऊपर जाने का एक रास्ता और है, ये रही सीढ़ियाँ, लेकिन हम जाएंगे दूसरे रास्ते से। तो भाई लोग, पीछे जो मैंने अभी आपको रास्ता दिखाया, मेन रास्ता वही है सीढ़ियों वाला, और अभी आप देख सकते हैं मैं सीढ़ियों पर ही हूँ। अर्णव भूल गया था कि वो लगभग 5 साल पहले आया था, तो हम आगे गए और आगे कोई भी रास्ता नहीं है, तो अब वापस पीछे आए हैं और सीढ़ियों के रास्ते ही जा रहे हैं ऊपर की तरफ। इसने ठंडा पानी बोल के हमें गर्म पानी पिलाया। अरे पीते जाओ, तुम मत देखो अपने गर्म पानी को, पानी दीजिए सर। भाई साहब, सीढ़ियाँ चलते चलते सांस चढ़ गई है और हमारा पानी भी ख़त्म हो चुका है, हम आधे रास्ते आ चुके हैं। कम ऑन कैसे भाई, कम ऑन। तो अभी पानी की टंकी भी पास ही है, तो अभी सबसे पहले पानी भरेंगे, और मेरा तो गला। केशव भाई को हो चुकी है उल्टी, पानी काफी ज्यादा पी लिया था रास्ते में चढ़ते हुए। सही है अब तो केशव भाई? बढ़िया बढ़िया, आओ। Meanwhile, जो इसमें आया। और ये केशव भाई स्ट्रगल करते हुए, कम ऑन केशव भाई, कम ऑन। जब तू आज जाएगा ना, इतनी श्रद्धा से पूजा करेगा ना माता की, माता आशीर्वाद देगी। मैं तेरे तो भाई मन्नत थी बहुत टाइम से, बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, वो रही हमारी बिल्कुल आंखों के सामने मंजिल। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं मंदिर की सीढ़ियां, तो चलिए अब अंदर चलते हैं मंदिर के। माता रानी के दर्शन हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। चलें।
हमें रात हो चुकी है नीचे उतरते हुए, और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जंगल। तो भाई साहब पूरा अंधेरा हो क्या? अच्छा मेरी परछाई है मेरी। भाई घना जंगल, रास्ता नहीं मिल रहा कहीं। सो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी मिल चुकी है और हमें चलते हुए लगभग 2 घंटे हो गए हैं, और सामने गाड़ी खड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और बीच में तो जंगल के कुछ ऐसे रास्ते थे बहुत ही ज़्यादा डरावने। तो अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी की तरफ, बहुत तेज़ भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। सब्सक्राइब करना सब।